तो एक और खास मेहमान नए मेहमान हमारे से जुड़े हैं अनुज गुप्ता हैं आज का मुनाफा का फंडा बताने के लिए बताएं अनुज मॉर्निंग गाय फॉर सिक्योरिटीज से, से अनुज बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आपके दाट पर अनुज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ गुड मॉर्निंग देखिए पहला स्टॉक मेरा टाटा uh, मोटर्स है टाटा मोटर अगर आप देखेंगे तो छह साल के हाई स्पेड ट्रेड कर रहा है फंडामेंटली uh, जाए तो कंपनी uh, uh, इस क्वार्टर में प्रॉफिट में आई है uh, जो कि लास्ट सेम ईयर क्वार्टर में लॉस uh, में थी करीबन जो प्रॉफिट है वो करीबन पांच या चार सौ करोड़ के आसपास का है जो कि लास्ट ईयर करीबन uh, एक नेट लॉस uh, में था तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इंक्रीज हुई है वहीं अगर

में आती हुई दिखाई दे रही है। जेएलआर की जो आंकड़े हैं वो काफी आश्चर्यजनक है और मुझे लग रहा है कि इससे काफी हद तक कंपनी को सपोर्ट मिलेगा रिसेंटली हम स्टॉक परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाले तीन से चार महीने में स्टॉक का टारगेट करीबन 600 से लेकर 620 तक हो सकता है तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं तीन से चार महीने के लिए ओके okay, और ठीक है ये तो हुआ टाटा मोटर्स आपने एक, एक, एक ट्रेंडिंग सेक्टर को चूज़ किया और उसमें से एक वन ऑफ द डार्क हॉर्स को चूज़ किया दूसरा सेक्टर दूसरा स्टॉक कौन सा होगा आपका स्टॉक है महिंद्रा एंड मिंद्रा फाइनेंस इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि आगे मॉनसून आने वाला है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का फाइनेंस का सबसे बड़ा जो शेयर होता है वो ट्रैक्टर बिक्री पर रहता है और उसमें फाइनेंस की काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो मेरे हिसाब से जैसे मानसून आने वाला है तो ट्रैक्टर साइड में काफ़ी अच्छा इनको एक जंप मिल सकता है वहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो अभी रिजल्ट आए हैं उसमें काफ़ी अच्छा ग्रो किया है फोर्टीन के आसपास जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इन्होंने इंक्रीज किया है वही जो नेक्स्ट इंटरेस्ट इनका

बड़ा जेएल है जिसमें अच्छा काम हो रहा है उन्होंने गाइड किया है हाई फ्री कैश फ्लो भी जल्दी आएगा समय से जो स्ट्रीट पकड़ के चली थी और ज्यादा आएगा इसीलिए आप देख रहे हैं सेकंड लेग ऑफ अप मूव टाटा मोटर तो में के शुरू के हो गया। जो थोड़ी सी इनफैक्ट